सारनाथ स्थित शिवम पैलेस में रविवार को पत्रकार प्रेस क्लब की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों पत्रकारों ने पत्रकार के ऊपर आए दिन हो रहे हमलों पर विस्तृत चर्चा की। संगोष्ठी में पत्रकारों ने कहा कि पत्रकार समाज का सजग प्रहारी होने के बाद भी पुलिस एवं प्रशासन की बातों में उलझकर आपस में लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई का सीधा असर पत्रकार समाज पर पड़ता है। संगोष्ठी में कई जिलों से पधारे पत्रकारों ने अपने अपने जिलों में पत्रकारों के साथ हो रहे पत्रकार प्रताड़ना पर अपनी बात रखी। पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक ने कहा कि पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचारों का हम डटकर सामना तभी करेंगे जब हम और आप संगठित होकर रहेंगे, क्योंकि हमें और आपको तोड़ने के लिए तमाम विघटनकारी शक्तियां लगी हुई हैं। जरूरत है हमें और आपको ऐसे विघटनकारी शक्तियों से सजग रहने की। संगोष्ठी में वाराणसी के एक सांध्यकालीन समाचार पत्र के छायाकार राजू दुआ के ऊपर हुए हमले की भी चर्चा की गई, जिस पर पत्रकारों ने एक स्वर में कहा कि पुलिस प्रशासन एवं गुंडों माफियाओं का अत्याचार हम किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें भले ही अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी हो। संगोष्ठी में वाराणसी, भदोही, जौनपुर, चंदौली एवं सोनभद्र के दर्जनों पत्रकारों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी में पत्रकारों ने प्रदेश सरकार से मांग किया कि आए दिन पत्रकारों के ऊपर हो रहे प्राणघातक हमले एवं अत्याचारों को रोकने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में आईपीएस अफसर के नेतृत्व में एक सेल का गठन किया जाए, जो पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने में न्याय दिला सके। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी, मैं पवन पांडे, पत्रकार प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष, वाराणसी। कितने शहरों में आपका संगठन सक्रिय? करीबन पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा संगठन हर जिले में गठन है, और देखा जाए तो बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़ से लेते हुए प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, चित्रकूट से लेते हुए बांदा से लेते हुए लखनऊ, हर पूरे उत्तर प्रदेश में यह संगठन बहुत ही मजबूती से संघर्ष कर रहा है और पत्रकारों के लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। आप से कुछ कहना चाहते हैं अपने पत्रकार भाइयों को? हाँ, मैं अपने पत्रकार प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी पत्रकार भाई हैं, अगर इनके साथ कोई भी शासन प्रशासन से अगर कोई दुर्व्यवहार किया गया, कोई ऐसी मर्यादा के खिलाफ किया गया, तो इसके लिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पत्रकार प्रेस क्लब अग्रसर है, आगे रहेगी और संघर्ष करके अपने भाइयों के लिए मान सम्मान की आवाज़ उठाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को यह एक संदेश, एक पैगाम भेजना चाह रहा हूं कि आए दिन पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो शासन में बैठे हुए जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जहां भी पत्रकार भाइयों के प्रति अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसको गंभीरता में ले, और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परमादरणीय श्री आदित्य योगीनाथ जी से भी मांग करता हूं कि जिस तरीके से आप हर विभाग का अलग अलग एक सेल गठन किए हैं, ऐसे ही इस पत्रकार भाइयों के लिए भी, पत्रकार समाज के लिए भी एक सेल का गठन करिए, जिसके मुखिया जिले के कोई एक आईपीएस हो, और जो भी ऐसी समस्या आवे वह आईपीएस रैंक के जो अधिकारी हैं अपने स्तर से सभी पत्रकार भाइयों को न्याय दिलाने का काम करें और पत्रकार भाइयों को न्याय मिल सके। यह हमारी उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास है कि यह संदेश हमारे मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता में लेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। कहा जाता है कि पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी पत्रकारों के प्रताड़ना को पेशबंदी का मोड़ देकर कार्रवाई के नाम पर पल्ला झाड़ लेते हैं, जिसके कारण पत्रकार न्याय पाने से वंचित रह जाता है। संगोष्ठी में प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक, संयोजक विनय कुमार मौर्य, मंडल अध्यक्ष पवन त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पांडे सहित